हेलो फ्रेंड, आप सब दोस्तों का वेलकम करता हूँ। तो आज का टॉपिक दोस्तों बोगनविलिया का प्लांट है। तो आज बात करेंगे, बहुत दोस्तों की शिकायत आती है कि हमारे बोगनविलिया पे फ्लावर नहीं आते हैं। तो चलिए आपको कुछ बताते हैं बोगनविलिया के प्लांट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे बोगनविलिया के प्लांट। आप देख सकते हैं ये डबल वेराइटी का है, इस पर दो कलर के फ्लावर आते हैं। देख सकते हैं वाइट कलर है और ये देखिए गुलाबी कलर है, काफ़ी खूबसूरत कलर है दोस्तों। इसके कलर के लिए आपको बता दूं कि आप अगर बहुत अच्छे कलर पाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा फिटकरी का पानी ज़रूर डालें। फिटकरी के पानी से क्या होता है कि हमारे जो बोगनविलिया के हमारे जो फ्लावर होते हैं ये काफ़ी अच्छे कलर आते हैं इसमें। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसे हमें पानी ज़्यादा नहीं देना है। पानी आप इसमें जब ही दें जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए। देखिए, जैसे ही मेरी गमले की मिट्टी ऊपर की सूखी हुई है तो मैं अब इसको पानी दूंगा इसको, तो ये इस समय अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। और इधर देखिए दोस्तों, ये हमारी एक दूसरी वेराइटी है। तो इसमें सिर्फ देखिए इस कलर के गुच्छों में फ्लावर लगते हैं। देखिए उनका साइज और इनका साइज अलग अलग है। तो इसमें गुच्छों की सूरत में जो फ्लावर लगते हैं इसमें देखिए खूब हमारा जो प्लांट है वो पूरा भर जाता है फूलों से, काफ़ी अच्छा लगता है। पड़ोसी भी देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा पौधा है। तो इनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। अब आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपने गार्डन में कुछ टाइम बिता सकें, अगर आप पे टाइम नहीं तो आप ऐसे प्लांटों को लगाएं जो काफ़ी खूबसूरत भी लगते हो, इनकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। बस इनमें कुछ ही बात का ध्यान रखना पड़ता है जो कि खाद होती है, जो 15 दिन में एक बार डाल दो और बस उसके बाद इन्हें चलने दो, ये अपने हाल पे चलते रहते हैं। तो इधर दोस्तों देखिए, ये मैंने कटिंग से तैयार किया था। तो दोस्तों, मैं रोड पर से एक कटिंग इनकी लाया था, 4 से 5 कटिंग लाया था बरसात के समय में, तभी मैंने लगाया था ये। तो हमारा ये प्लांट भी तैयार हो गया है। तो काफ़ी कटिंगें मेरी फेल हो गई थी, उसके बाद एक कटिंग मेरी जो चल गई थी तो उसको मैंने क्या किया, फिर ये गमले में लगा दिया। तो दोस्तों, कटिंग आप जब भी लगाएं तो ये मत समझे कि मेरी सारी कटिंगें चल जाएंगी, कभी कटिंग फेल हो जाती, कोई भी हम गलती कर देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आप जब भी कटिंग लगाएं तो कई सारी कटिंगें लगाएं, क्योंकि आप सारी कटिंगें नहीं चला सकते हैं। तो देखिए, हमारे प्लांट तैयार हो गया है दोस्तों। अभी इस प्लांट को मैं नर्सरी से लेने जाता तो ये 100-150 का प्लांट मिलता, पर मैंने कटिंग से इसको लगा लिया है। अब आने वाली जो बरसात है उसमें मैं बहुत सारे और कटिंगें लगाऊंगा, देख के आऊँगा। रोड के किनारे बोगनविलिया के बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह अपने पौधों की केयर करें। तो दोस्तों, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी दूंगा आपको। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और लेकर आ सकूं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी गार्डनिंग एंजॉय कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।